हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और आज के वीडियो में बात करेंगे एनसीडीएक्स बाजार में प्रमुख जिंसों के भाव 30 सितंबर 2020 को क्या देखने को मिली है। मतलब दोस्तों, आज जितने भी अपडेट आए हुए हैं एनसीडीएक्स कमोडिटी बाजार में, मैं आज पूरी मतलब वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं लगातार दोस्तों आप लोग को क्यों बोलता हूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आप प्रमुख जिंसों में जितने भी जिंसों का अपडेट आती रहती है, या तेजी या नरमी की, तो आप लोग देख नहीं पाते हैं। और दोस्तों नीचे में कमेंट आप फटक देना कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं एनसीडीएक्स प्रमुख जिंसों के भाव क्या रहे हैं, ठीक है आज के। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर सोयाबीन के, तो 3938 रुपये देखने को रही है, अधिकतम भाव देखने को मिला है 3970 रुपये। बात करें दोस्तों न्यूनतम भाव के, तो 3914 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करूँ दोस्तों, तो आज यहाँ पे 30 रुपये नरमी के साथ यहाँ पे सोयाबीन का बाजार भाव देखने को मिला है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में हम बात करेंगे अगर चना की बात करें, तो दोस्तों चना का बाजार खुला यहाँ पे 3970 रुपये पे, अधिकतम भाव देखने को मिला 3972 रुपये। बात करेंगे दोस्तों न्यूनतम भाव के, तो यहाँ पे 4881 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे 27 रुपये नरमी के साथ यहाँ पे चना का बाजार भाव देखने को मिला है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों बात करेंगे अगर गवार सीड की, तो दोस्तों बाजार खुला यहाँ पे 4005 रुपये पे, अधिकतम भाव देखने को मिला है 4021 रुपये। बात करेंगे दोस्तों न्यूनतम भाव के, तो 3966 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करूँ दोस्तों, तो 20 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे गवार सीड का बाजार भाव देखने को मिला है, ठीक है दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पर धनिया के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार खुला पे 6910 रुपये पे, अधिकतम भाव देखने को मिला 6910 रुपये। बात करेंगे दोस्तों न्यूनतम भाव के, तो यहाँ पे 6722 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे 92 रुपये नरमी के साथ यहाँ पे धनिया का बाजार भाव देखने को मिला है, ठीक है दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पर सरसों के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार खुला है 5301 रुपये पे, अधिकतम भाव देखने को मिला 5410 रुपये। बात करेंगे दोस्तों न्यूनतम भाव के, तो 5295 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करो, तो यहाँ पर 19 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर सरसों का बाजार भाव देखने को मिला है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे जीरा के बाजार भाव में, ठीक है दोस्तों। तो बाजार खुला यहाँ पे 14195 रुपये पे, अधिकतम भाव देखने को मिला 14235 रुपये। बात करेंगे दोस्तों न्यूनतम भाव के, तो 14010 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करो, तो आज यहाँ पे 145 रुपये नरमी देखने को रही है जीरा में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे मूंग के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार खुला यहाँ पर 6400 रुपये पे, अधिकतम भाव देखने को मिला 6430 रुपये। अधिकतम बात करेंगे न्यूनतम भाव के, तो यहाँ पे दोस्तों 5350 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे 40 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे मूंग का बाजार भाव देखने को मिला है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी जरूर करें, ठीक है। तो अरंडी के बाजार के भाव बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे बाजार खुला है 4010 रुपये पे, अधिकतम भाव देखने को मिला है 4050 रुपये। बात करें दोस्तों न्यूनतम भाव के, तो 4006 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे 25 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे आरंडी के बाजार भाव देखने को मिला है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे हल्दी के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार खुला यहाँ पे 6050 रुपये पे, अधिकतम भाव की बात करूँ तो 6070 रुपये देखने को रही है। और बात करेंगे दोस्तों न्यूनतम भाव के, तो 5966 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे 90 रुपये नरमी के साथ यहाँ पे हल्दी का बाजार भाव देखने को मिला है, ठीक है दोस्तों। बात करेंगे रिफाइंड सोया तेल के बारे में, तो दोस्तों बाजार खुला यहाँ पे 883 रुपये पे, अधिकतम भाव देखने को मिला है 888 रुपये। बात करेंगे दोस्तों न्यूनतम भाव के, तो यहाँ पे 883 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे 10 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे रिफाइंड सोया तेल के बाजार भाव देखने को मिला है, ठीक है दोस्तों। बात करेंगे गवार गम के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार खुला है 6316 रुपये पे, अधिकतम भाव देखने को मिला है 6390 रुपये। बात करेंगे दोस्तों न्यूनतम भाव के, तो 6239 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करूँ, तो यहाँ पे 21 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे गवार गम के बाजार भाव देखने को मिला है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में हम बात करेंगे मक्का के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार खुला है 1305 रुपये पे, अधिकतम भाव देखने को मिला है दोस्तों 1305 रुपये। बात करेंगे दोस्तों न्यूनतम भाव के, तो 1305 रुपये ही देखने को रही है। अगर यहाँ पे तेजी मंदी की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे 7 रुपया नरमी के साथ यहाँ पे मक्का का बाजार भाव देखने को मिला है, ठीक है दोस्तों। बात करेंगे कपास के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार खुला है 1036 रुपये पे, अधिकतम भाव देखने को मिला है 1036 रुपये। बात करेंगे दोस्तों न्यूनतम भाव के, तो 1027 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करूँ, तो यहाँ पे 7 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे कपास के बाजार भाव देखने को मिला है। तो दोस्तों ये थी आज के एनसीडीएक्स कमोडिटी बाजार के भाव। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा ये जान के दोस्तों वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा।
और कमेंट भी जरूर कीजिए। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।